चंडीगढ़ नगर निगम सफाई को लेकर पिछले कुछ दिनों से सख्त देखने को मिल रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मनीमाजरा के मोरी गेट में, जहां पर निगम के अधिकारी रात को एक स्पेशल ड्राइवर के दौरान लोगों के चालान काट रहे थे। इस मौके पर निगम के इंस्पेक्टर दविंदर रोहिल्ला ने बताया कि हमारे पास शिकायतकर्ता की एक शिकायत आई थी। शिकायतकर्ता ने यह कहा कि लगभग 2 महीने से लोग मेरी बिल्डिंग के बाहर कूड़ा गिराकर चले जाते हैं रात के समय, जिस कारण आने जाने वालों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और मेरी बिल्डिंग के साथ में ही एक MRD स्कूल है, जिसके कारण बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी। और शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि यह मेरी इस गंदगी के कारण किराए पर भी नहीं चढ़ रही। इस समस्या को देखते हुए निगम के इंस्पेक्टर दविंदर रोहिल्ला ने रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ड्राइव चलाई, जिसके अंतर्गत गंदगी के दुश्मनों के चालान किए गए और चालान के साथ जागरूक किया गया। सर, जो आपने कल कार्रवाई की है रात को, क्या क्या कारण था उसका, क्या कुछ था उसके बारे में सारा कुछ? ये कार्रवाई हमने इसलिए की कि हमने नगर निगम की तरफ से गार्बेज पिक करने के लिए गाड़ियां लगा रखी हैं, प्रॉपर लोगों के घर पे जा रही हैं और गार्बेज पिक करती हैं। उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो रात को सैर करते हुए आते हैं और कूड़ा गिर के चले जाते हैं, जिसमें ज्यादातर किराएदार लोग हैं। तो इसकी हमने ड्राइव चलाई, यहाँ पे MRD स्कूल है मेन बाजार में, वहां पे हमें काफी दिनों से कम्प्लेट आती थी, लोग कूड़ा गिर देते हैं यहाँ पे आके। तो उन कूड़े को लोगों को हमने पकड़ा और आज 4 चालान किए, रात को 9 बजे से रात 12-1 बजे तक ये ड्राइव चली है। तो कितने मतलब कि कितने कितने के चालान किए? और दूसरा, एक कौन सा कूड़ा गिर के जाते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे इनको? घर का कूड़ा जी, घरेलू कूड़ा जो होता है गीला सूखा मिक्स करके, हम ये प्रयास कर रहे हैं गीला सूखा अलग कूड़ा हो, ये लोग मिक्स करके डाल जाते हैं और उससे कूड़े का जो इतना बड़ा डंप लगा हुआ है वो और बढ़ता जा रहा है। तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए हमने लिटरिंग के 11-11 जगह यहाँ चालान किए। सर, लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों से मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि नगर निगम का सहयोग करें, गार्बेज बिल्कुल भी मिक्स ना करें। 4 तरह का गार्बेज है, अलग अलग लोगों को अलग अलग बॉक्सेस में डाल के हमारे डोर टू डोर कलेक्टर को दें, ताकि वो भविष्य में कूड़े का ढेर कुछ कम हो और जो भी इसको कोताही बरता पाया जाएगा उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई। पिछले 1-1.5 महीने से लगातार आप जागरूक अभियान चला रहे हैं, अपनी मुहिम छेड़ी हुई, अलग अलग जगह जाके आप जाते हैं लोगों को। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।